प्रदेश में करीब 8 साल बाद 7 कक्षाओं की प्रश्न पत्रों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अब मल्टी च्वाइस प्रश्न बिखरे नहीं होंगे बल्कि उन्हें एक सेक्शन में रखा जाएगा। यही नहीं, परीक्षार्थियों को आंसर शीट के साथ ओएमआर शीट भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में प्रक्रिया शुरू कर दी है। और वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थी विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में अच्छा प्रदर्शन करें और इसके लिए बदलाव की जरूरत दिखा रही है। और वहीं बोर्ड सचिव ने बताया कि करीब 35% आसान प्रश्न होंगे। 10वीं की नहीं, इसमें हमने जो वर्कशॉप करवाई है उसमें 3री, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी तरीके के प्रश्न पत्रों में हम कुछ फंडामेंटल बदलाव करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले 8 सालों से इस तरीके की कोई भी कार्यशाला बोर्ड में नहीं करवाई गई थी। और अगर हम नेशनल स्टैंडर्ड से तुलना करें तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अप टू मार्क नहीं थे, बल्कि अभी नेशनल लेवल पे एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जो प्रश्न पत्र बन रहे थे वो मुख्यतः जो रट्टा लगाने वाला सिस्टम होता है उस पे बेस्ड थे। जबकि हम अगर NEP की बात करें तो NEP कहती है कि आप बच्चे को रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 29 और 30 तारीख को 2 दिवसीय कार्यशाला बोर्ड में करवाई,